आज मंगलवार है माता जी, और शाम को क्या प्रसाद लाएं ये बताओ। कोई भजन गा दो मंगल के उपलक्ष में, जो भी आपको दो चार लाइनें याद आ रही हो। ठीक, हाँ ये वाली, हाँ ये सही, बेसन का है ये। कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात करते हैं, आज हम जैसे बेल का शरबत लाए हैं, आंवले का मुरब्बा लाए हैं, तो बेल का शरबत फायदा होता है, आंवले का मुरब्बा। अच्छा अच्छा, और कोल्ड ड्रिंक जो होती है पेप्सी, या नुकसान करती है? लेकिन लोगों को पेप्सी पीने में मज़ा क्यों आता है, कारण क्या? नहीं तो वो तो बात सही है, लेकिन अगर देखो, अगर जैसे नुकसान करती होती तो पेप्सी ही ब्रांड ऐसा है, या थम्सअप जिस जो बहुत ज़्यादा बिकती है, और मिरिंडा सिरिंडा बहुत कम सेल होती है। हम ही जैसे पेप्सी ले आते हैं, या वो थम्सअप ले आते हैं, कभी कभी स्प्राइट ले आते हैं, आप कहती हैं हरी वाली लाना। शुरू में तो गर्मियों में कौन सा चलता था, लाल वाला रूह अफ़ज़ा वो ले आते थे, वही बना के दे दिया जाता था। अच्छा अच्छा, हम लोग थे तो रसना घर में बना के रख लेते थे। अच्छा अच्छा, गर्मियों में वो तो खैर बात सही है, और ये तो खैर बात आपकी ठीक है। रसना बड़ा फायदा करती, लेकिन कोल्ड ड्रिंक फायदा नहीं। आपको कोल्ड ड्रिंक में पियेंगे? हाँ नहीं पीना। आपका जुकाम बिल्कुल सही हो जाएगा निश्चित। और जो हम छींकते छींकते नाक बहते हुए दिमाग खराब, और जो हम कहते हैं नहीं लुहा लोहे काटता है, आप एक बार पी के देख लो सही हो जाओगे आप बिल्कुल। नहीं अच्छा चाय, अच्छा ठीक है, आप चाय पीजिएगा। चलिए अब यहाँ वार्ता खत्म।